यहाँ पे श्री राम जी ने धनुष मारे थे। पानी अभी भी बहुत गर्म है। जय हनुमान दादा मोबाइल सुरेश भाई, स्वागत है एक नया वीडियो में। भाई आज हम जा रहे हैं उन्नई माता, श्री राम जी जहाँ पे धनुष मार के गंगा मैया जी को प्रकट किए थे वही जगह पे। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं घर से और उन्नई माता के मंदिर के जो रहस्यमय कथा है वो ये है कि जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी माता सीता यहाँ पे ठहरे हुए थे तो एक ऋषि महर्षि जी को कुछ चमड़े के बीमारी हुए थे। तो वहाँ से जाने के बाद लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु श्री राम जी और इनका जो ये बीमारी हुआ है कैसा ठीक होगा। तो राम जी बोले ठीक है। तो तुरंत उन्होंने धनुष मारे थे तो वहाँ से गंगा में प्रकट हुए और वही पानी से जो स्नान कर लिए ऋषि जी ने उनका पूरा बीमारी ठीक हो गया। तो यहाँ इसके लिए जगह प्रकट है उन्नई माता मंदिर। तो इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से भक्तों का समागम हो रहा है। और आप कभी भी सूरत में आइए बाहर से जरूर एक बार उन्नई माता के दर्शन करिए और यहाँ का जो यहाँ बोलने के जो हिस्ट्री बोल रहे हैं वो भी देखिए। जो प्रभु श्री राम माता सीता यहाँ पे ठहरे हुए थे लक्ष्मण जी, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए और दर्शन करके जाइए, मज़ा आएगा। ये सूरत से 100 किलोमीटर आजू बाजू में है और रोड का सुविधा बहुत बढ़िया है, आप आराम से जा सकते हो और सुबह निकलना आराम से शाम तक आप दर्शन करके जा सकते हो। और आजू बाजू में भी बहुत सारा देखने जैसा जगह है, आपको लगेगा कि भाई गांव तरफ हम घूम रहे हैं। आप देख सकते हो उन्नई माता मंदिर हम जा रहे हैं। तो भाई कैसा घूमी करने का टाइम है। जय माँ नर्मदा शाखा। हाँ नर्मदा शाखा, नर्मदा शाखा तो राइट। और यहाँ पे आप अगर मानता रख के स्नान करोगे तो आपका जो भी कितने पुराने चमड़े का बीमारी होगा वो भी सब सही हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं आप, और ख़ास करके तो मकर संक्रांति पर तो यहाँ पे पूरा एक दिन के लिए वहाँ का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, बाकी आपको हमेशा गर्म वाला पानी। भाई अभी पार्किंग में लगा दिए, ये है उन्नई माता जो है यहाँ का पार्किंग आप देख सकते हो। और ये सब इनके कुछ शौचालय है और मैं लॉक वगैरह कर देता हूँ, फिर मंदिर में मिलेंगे। भाई अभी हम जा रहे हैं उन्नई माता के जो मार्केट है उसमें, बाबा ज्ञानो भी जा रहे हैं दर्शन करेंगे अभी, ठीक है। हाँ वो बाद में, वो सब बाद में ले जाएंगे बेटे, पहले दर्शन कर लेते हैं। भाई ये उन्नई माता का मंदिर है, देख सकते हो आप।
वीडियो शूटिंग है तोर जय श्री राम यहाँ पे श्री राम धनुष मारे थे। देखिए यहाँ पे जो अभी तक गर्म पानी प्रभावित हो रहा है, ये है भाई उन्नई माता का मंदिर, और ये है पुराना जो श्री राम राम जी के मंदिर है, ये बहुत पुराना है। और श्री राम जी ने धनुष मारे थे, पानी अभी भी बहुत गर्म है। गर्म हवा आ रहा है ना, हाँ उन्हें पानी उधर से जा रहा है नहाने के लिए वहाँ से जाएंगे। उधर आप देख सकते हैं भाई चलो थोड़ा फूल पके दे उठे। भाई ये है उन्नई माता का मंदिर, देख सकते आप। नारियल ला के यहाँ पे छिलका निकाल के यहाँ फोड़ोगे तो अभी हमने लाया था, अभी पापा जी निकाल रहे हैं छिलका इसका। हाँ ले लो ना थोड़ा, नहीं अभी यहाँ छिलका निकालेंगे फिर फोड़ेंगे, यहाँ पे सिस्टम है। और ये है उन्नई माता का मंदिर, वाह अति सुंदर नज़ारा, वाह हाँ यानो हो गया पापा। और यहाँ पे गर्म पानी में नहाने का सुविधा है, आप जाके नहा सकते हो अंदर। जय माँ। भोग टिके रखिदे सेठी सियाड़े दिं गठी कि भोग टिके रखिदे सेठी तले रखिदे सेठी रखिदे। हाँ था फड़ल था और यहाँ पे पूरा नहाने का पूरा सुविधा है, गर्म पानी का सब डोल वगैरह है, आप नहा सकते हो आराम से। और आप देख सकते हो गर्म पानी है और पूरा साल भर गर्म पानी, एक दिन खाली जो मकर संक्रांति है उसके वही दिन आपको मिलेगा ठंडा पानी, बाकी गर्म पानी में आप नहाओ आपका कुछ भी बीमारी हो चमड़े का पूरा सही हो जाता है, ये एक मानता है और एक भगवान जी का आशीर्वाद है। ये गर्म पानी है, अभी पापा अभी ज्ञानू सोम अभी नहाने की तैयारी है, अभी देखो नहा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी नॉर्मल गर्म है, आप नहा सकते हो जैसा गर्म घर में पानी गर्म करते हो उतनी उसकी तरह सेम। ज्ञानू भाई ये है जो उन्हें माता के जो गर्म पानी जो, हाँ गर्म है ना, तुम नहाओ नहाओ। हाँ बाबा जल्दी नहाओ, सर पे डालो सर पे डाल लो। अरे वाह पूरा इधर ऊपर। और हमारा दर्शन जो है बढ़िया सा हो गया क्योंकि आज भक्त थोड़ा कम थे,
और हम जिस टाइम आए दोपहर का टाइम थोड़ा भक्तों का समागम कम था और शाम को श्रद्धालुओं का भीड़ लग जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तब का अपना ख्याल रखना, अपना पूरा परिवार का ख्याल रखना, और कभी भी टाइम मिले एक बार जरूर आना। जय श्री राम।